गुजरात में आम आदमी पार्टी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए और पंजाब में आम आदमी पार्टी को जो जीत मिली और अब जिस तरह से पंजाब सरकार काम कर रही है और उसके पहले से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार काम कर रही थी उसको देखते हुए गुजरात में 27 साल से सत्ता में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी अब घबरा गई है, बौखला गई है बीजेपी। कल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात आम आदमी पार्टी को लेके ट्वीट्स कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार को लेके ट्वीट्स कर रही है, केजरीवाल जी के एजुकेशन मॉडल को लेके, दिल्ली में एजुकेशन के काम को लेके काफ़ी ट्वीट कर रही है। ये अच्छी बात है, एजुकेशन पे बात होनी चाहिए और मैं इस बातचीत का स्वागत करता हूँ। मैं गुजरात के शिक्षा मंत्री माननीय जीतू वाघाणी जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइए, आपने गुजरात में अपने शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकारी स्कूलों में काम किया उस पर बात करते हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले 7 साल में, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों पर जो काम किया उस पर चर्चा करते हैं और खुल के बात करते हैं, खुल के बहस करते हैं। मैं गुजरात के शिक्षा मंत्री जी को ओपन डिबेट की चुनौती देता हूँ कि आइए बात करते हैं और देखते हैं किसका एजुकेशन पे काम, सरकारी स्कूलों में किसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, कौन सरकारी स्कूलों के माध्यम से इस देश को मजबूती से खड़ा कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू जी से कि आप दिल्ली भी आएँ, मैं लेके चलूँगा आपको दिल्ली के स्कूल्स दिखाने। हमने बहुत अच्छा काम किया है दिल्ली में, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो गए हैं, यहाँ के रिजल्ट्स भी बड़े शानदार आ रहे हैं, हमारे बच्चे अब सीधे बिना बड़ी बड़ी कोचिंग्स के IITs में जा रहे हैं, नीट क्लियर कर रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत शानदार बिजनेस आइडियाज़ डेवलप कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाएंगे कि हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कितना काम किया है। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लेके आइए, उनको भी हम दिखाएंगे और थोड़े दिन बाद मैं भी गुजरात आऊँगा। गुजरात में आपकी सरकार ने गुजरात के सरकारी स्कूलों में जो काम किया है मैं चाहूँगा कि मैं भी उसको देखूँ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ गुजरात पे कि घबराए ना, बौखलाए ना, शिक्षा पे बात अच्छी है लेकिन अपने शिक्षा मंत्री जी को कहिए कि खुल के दो शिक्षा मंत्रियों के बीच बहस करें ना, खुल के बताएं कि हमने जो काम किया है और आपने जो काम किया है सरकारी स्कूलों को ठीक करने का, गुजरात का अगर कोई मॉडल है तो उस पर बात करते हैं और सरकारी स्कूलों में शानदार पढ़ाई का दिल्ली का मॉडल है उस पर बात करते हैं। ये बहस देश के लिए बहुत अच्छी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बीजेपी ने जो शिक्षा का मुद्दा अब आया है सेंटर में बातचीत करने के लिए, इससे बीजेपी भागेगी नहीं और बीजेपी के कार्यकर्ता अपने मंत्री जी को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री के साथ दिल्ली और गुजरात में सरकारी स्कूलों को सुधारने के मॉडल पर खुल के बात करें। धन्यवाद।